है। देखिए लाला लाजपत जी का जन्म जो था वो 2 मार्च 1925 को हुआ था। उनकी जो जन्म तिथि थी उसके ऊपर में हमने ऑलरेडी कार्यक्रम किया था, क्योंकि 15 तारीख को उनकी जो पुण्यतिथि पड़ती है, इस पखवाड़ा जो 15 दिन के बीच का जो अंतर है उसमें आखिरी सप्ताह में जो हमारा रविवार पड़ता है, हर वर्ष हम उस उनकी पुण्यतिथि के ऊपर में गाँव के लोगों को बताते हैं। पहले हम शहर के लोगों को बुलाते हैं जन्मतिथि के ऊपर, वो फंक्शन हमारे घर में होता है, क्योंकि गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप देखते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, तो ये सब लोग लाला जी के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, जो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ जाए, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ। और लाला जी के प्रति जो वो अपना एक जो भाव रखते हैं उसको, उसका प्रकटीकरण जो है वो आज उन्होंने यहाँ पर आमंत्रित होकर और मंच से बोलकर दिया है। तो आज मैं यही कहूँगा कि उनके बधाई हुए मार्ग पर हम चलेंगे, और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अंदर में संघर्ष में से निकलते हुए उन्होंने, आपने सुना होगा कि जब 1949 का एजिटेशन हुई तो मात्र वो 24 वर्ष के थे, जब 52-53 का एजिटेशन हुई तो उनका 27 साल की उम्र थी, और जम्मू कश्मीर में इकलौते प्रजा परिषद के सदस्य जिनके ऊपर शूट एंड साइड का आर्डर हुआ, और वो शूट एंड साइड का आर्डर था, वो 6 महीने अंडरग्राउंड रहकर उस जो संघर्ष था उसको जारी रखा। लोग मिलिशिया की लाठियों से डरने लगे, गवर्नमेंट ने इतना जुल्म स्तम किया कि लोग बाहर निकलने से डरते थे। उस वक्त मेरी दादी ने 15 दिन की भूख हड़ताल की थी श्रीमती दुर्गा देवी ने, और मेरी माँ ने 6 दिन की भूख हड़ताल की थी, जबकि उनका 1.5 साल का बच्चा था और 1 4 साल का बच्चा था। तो ये उस संघर्ष की जड़ी में से वो निकले और 4 बार लोगों ने उनको विधायक किया, जिस पर आज तक अपोजिशन में से या 75 पार्टी में से 4 बार कोई विधायक नहीं बना आज तक, कोई ना बीजेपी में से ना प्रजा परिषद, ना वो 2002 तक रहे, वो 4 बार वो विधायक रहे, और उन्होंने संघर्ष किया, और उस संघर्ष की गाथा जो है आज वो लोग, इसलिए आज ये लोग एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग पत्रकार बंधु भी आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लाकर इस कार्यक्रम को कवर किया, और अभी चूँकि हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर रुककर इस कार्यक्रम के अंदर में आप अपनी भागीदारी करके उसका हमें आप यज्ञ की रोटी को ग्रहण करना।